राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 20 जुलाई को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, यानी पता चल जाएगा कि देश का प्रथम नागरिक कौन बनने जा रहा है, रामनाथ कोविंद या मीरा कुमार। लेकिन सबसे पहले आपको भोपाल की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जहां विधायक वोट डालने के लिए लंबी कतार में खड़े हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वोटिंग हो रही है और विधायक लाइन में लगे हैं, और आप देखिए सीढ़ी तक लाइन चली गई है। अमूमन विधायक जो वीवीआईपी कल्चर हमारे देश में है, कहीं लाइन में लगना नहीं चाहते, लेकिन ये वो दौर है, वो तस्वीर है जहां विधायक लाइन में लगे हैं और बकायदा कोई दिक्कत नहीं है, सब लाइन में लगकर वोट डाल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, वो तस्वीर है जहां विधायक लाइन में लगे हैं और बकायदा कोई दिक्कत नहीं है, सब लाइन में लगकर वोट डाल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, दूसरी जगहों पर भी ऐसे ही लाइन में लगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहां तो सब वीवीआईपी हैं तो कौन किसको पीछे कर सकता है। लेकिन सीढ़ी तक लाइन चली गई है और फिर लोग खुश भी हैं, लाइन में लगने की दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है ये यहां स्कूल वाला हिसाब होता होगा कि दोस्त यार जो हैं वो आसपास लगे ताकि थोड़ी देर गपशप से माहौल बना रहे। सबको लगता है मोदी जी देख रहे हैं। कांग्रेस वालों को तो नहीं लगता। नहीं, उनको नहीं लगता। हमारे साथ बात होती है कि सब अपने लोग जी, सब अपनों के बीच में हैं जी। हमारे साथ बड़ा पैनल लगातार बना हुआ है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता बने हुए हैं, अंबिकानंद सहाय और जयशंकर गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, नदीम जावेद कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अब प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पहले एक प्रतिक्रिया दीप्ति की ले लूं। दीप्ति, ये लंबी लाइन जो लगी है वीवीआईपी कल्चर को दरकिनार करते हुए, इन नेताओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बड़ी अच्छी बात है, और हर जगह ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। बिल्कुल सही कहा सुशांत, की लाइन जो है, इससे पहले विधायकों की इस तरह की लाइन मैंने राज्यसभा चुनाव में देखी थी, जब राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई थी, और ये दूसरी बार है कि विधायकों को मैं इतने सलीके से लाइन में लगा देख रही हूँ, और सब बड़े इत्मीनान के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमारी नजर उन पर पड़ती है, उनकी नजर पड़ती है तो मुस्कुरा देते हैं, पसीना पोंछते भी दिख रहे हैं, लेकिन सब इत्मीनान से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वरना अमूमन होता है विधायक जी आप लाइन में लगे थे, बड़ी शर्म की बात है, लेकिन यहां तो लाइन में लगकर विक्ट्री साइन के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जी बिल्कुल गुरेज नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो विधानसभा में है, एक देश के प्रथम नागरिक के लिए वोट कर रहे हैं, और शायद यही वो जगह है जहां वो अपने वोट देने का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए खुद में गुरूर भी महसूस कर रहे हैं, और यही वजह है कि लाइन को तोड़ नहीं रहे, बल्कि और शालीनता के साथ जितनी देर तक लगे रहे हैं उतने फोटो खिंच जाएंगे, उतने लोग देखेंगे, उतनी बातें होंगी, साथ में आसपास यार दोस्तों से भी बातें होंगी, और फिर जब वोट डालेंगे तो बताएंगे कि भाई चूंकि हम एमएलए हैं इसलिए हमको देश का प्रथम नागरिक चुनने का अधिकार है, और शायद यही वो एमएलए हैं जो देश के प्रथम नागरिक के लिए वोट भी कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर हिंदुस्तान में अभी एक लंबे समय से जितना मैं देख रही हूँ राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग नहीं होती है। सुशांत जी, प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए अभी अभी। प्रदीप जी, पता नहीं मुझे आपसे पूछना चाहिए कि नहीं, क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है, लेकिन जिस अंतरात्मा की आवाज की बात हो रही है, क्या वो सुनने को मिल सकता है, क्या कोई संभावना उसकी दिखती है? नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं। देखिए इस तरह की चीजें होती, एक ही बार हुआ है 69 में, तो एक काउंटर नैरेटिव होना चाहिए कि अगर अंतरात्मा की बात सुने, कौन अपील कर रहा है, किस मुद्दे पर कर रहा है, उसका 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 क्या दूरगामी असर है, इस तरह का कोई मुद्दा हो, कोई इशू हो, तब आप इस तरह की उम्मीद करते हैं। देखिए इसी उम्मीद में 2007 में भैरव सिंह शेखावत चुनाव लड़े, उनको उम्मीद थी कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, जिस तरह से हमने राज्यसभा को कंडक्ट किया है उसको देखते हुए, और अपने दल से बाहर भी जिस तरह से हमारे मित्र हैं उनको देखते हुए हमको समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए जब एकदम क्लोज हो कि 10 वोट 20 वोट 100 वोट से इधर उधर हो सकता है मामला, तब ये सब बातें ये मुद्दे चलते हैं। जहां स्पष्ट है कि जो भी उम्मीदवार है, अधिकृत उम्मीदवार सत्तारूढ़ दल का, वो जीतने वाला है, उसकी जीत सुनिश्चित है। सवाल अब सिर्फ इतने का है कि मार्जिन क्या होगा, जो अभी घोषित रूप से समर्थन मिल रहा है उतना ही रहेगा। मैं इसमें सवाल जोड़ना चाहता हूं। हाँ। नदीम जी, मैं आपके पास आऊंगा थोड़ी देर में। मेरा सवाल आप तीनों पत्रकारों से खासतौर पर यह है कि क्या जो आज क्रॉस वोटिंग होगी, कहा जा रहा बिहार में हो सकती है, यूपी में हो सकती है, कुछ दूसरे राज्यों में हो सकती है, क्या इस क्रॉस वोटिंग को इस लिहाज से देखें कि ये बीजेपी के पक्ष में जाते हुए वोट हैं, क्या इसको इस लिहाज से देखें कि वहां स्थानीय स्तर पर नेता जो हैं अपने नेताओं से खुश नहीं हैं, चाहे बिहार की बात करें या सपा की बात करें उत्तर प्रदेश में, इसलिए क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, या
अगर गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां कोई नाराज धड़ा या नाराज गुट अंदर नहीं पनप रहा है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए इन तीनों के रूप में नहीं देखना चाहिए। असल में होता यह है, चाहे वो विधायक या सांसद के रूप में वोट कर रहे हो या सामान्य मतदाता जब वोट करने जाता है, एक मानसिकता जरूर होती है कि जो जीत रहा है उसके पक्ष में लोग होते हैं, तो इसलिए उनको मालूम है कि अगर मान लीजिए कोई यूपीए के पक्ष से इधर वोट करता है तो उसको मालूम है कि हम अगर मीरा कुमार जी को वोट देंगे भी तो भी उनकी जीत नहीं होने वाली है, तो इसलिए मान लीजिए आरजेडी के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो वो इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि कोविंद साहब जीत जाएंगे? नहीं, इसलिए नहीं वोट कर रहे हैं। तो देखिए इसलिए कि वोट क्यों, एक मानसिकता जो भारतीय वोटर में होती है कि अपना वोट क्यों बेकार करें, इस नाते दूसरी जगह वोट करते हैं कि उनको मालूम है कि हमारे इस वोट से कुछ बदलने वाला नहीं है तो हम हारने वाले के साथ क्यों जाएं। ठीक है, मैं दोनों तो पत्रकारों से भी राय लूंगा, पार्टी से एक बार सुनवा देता हूं मायावती क्या कह रही हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि इस बार जो एनडीए ने और जो विपक्ष की पार्टियों ने यूपीए ने उसमें हम भी शामिल हैं समर्थन देने में, तो दोनों तरफ से जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया गया है तो वो दलित वर्ग का है और ये पहला मौका है कि दोनों तरफ से दलित वर्ग का कैंडिडेट राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना है। एनडीए के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि पहली बार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति देने का अवसर प्राप्त हो रहा है, यह हम सब के लिए गौरव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को यह गौरव प्रदान किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, सांसद जो है वो वोट डालकर बाहर आ रहे हैं, बातचीत करने के लिए एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल जी हमारे पास है। सर, वोटिंग स्टार्ट हो गई है, आपने वोट डाला? हाँ जी, वोट डाला और ये तो हमारा दायित्व है, देश के सर्वोच्च पद के लिए हमने हमारा जो वोट है वो डालना, ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक हमारी जिम्मेदारी है और इससे देश के सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च व्यक्ति, देश के संविधान के रक्षक, उनका चयन किया जाएगा। आपको लगता है कि अंतरात्मा की आवाज की बात मीरा कुमार ने कही है वो नीतीश कुमार के ऊपर भी लागू होती है? आप भी अपील करना चाहेंगे कि हाँ जो उनके सांसद हैं, विधायक हैं, वो अभी भी मन बदलें अपनी अंतरात्मा की आवाज? देखिए ये सब बातें, अंतरात्मा की बातें तो जरूर होती ही है, लेकिन साथ साथ में राजनीतिक दल अपने अपने एक सोच और विचारधारा के आधार पर भी वोट करते हैं। हालांकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई विप नहीं होता है, अन्य जो चुनाव में जैसे हर पार्टी अपने सांसदों को, विधायकों को विप देती है, वैसी ये पद के लिए विप की मतलब मनाही होती है, मगर फिर भी आम तौर पर हर व्यक्ति पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं, जो निष्पक्ष होते हैं और पक्ष होते हैं उनके लिए तो बात अलग है, लेकिन बाकी हर व्यक्ति अपने पार्टी के लाइन से जुड़ा हुआ रहता है। हमसे बातचीत करने के लिए प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता हैं, वोट डालकर बाहर आ चुके हैं। कैमरामैन पुष्पेन के साथ रत्नाकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग चल रही है, हमारे साथ संजय जी हैं, विधायक हैं बीजेपी कोटे से और पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने वोट किया है। संजय जी, आपने सबसे पहले वोट किया? दोनों राष्ट्रपति के प्रत्याशी के जो पोलिंग एजेंट थे दोनों, उनके बाद लाइन में मैं एक नंबर में खड़ा था। दोनों पोलिंग एजेंट के बाद प्रथम वोट मैंने लाइन में लग के डाला और निश्चित रूप से हम लोग 8 बजे ही आ गए थे क्योंकि एक तो उत्साह में थे, एक तो एनडीए के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे रामनाथ कोविंद जी और बिहार के महामहिम राज्यपाल भी थे और उनका काम हम लोगों ने देखा है, तो निश्चित रूप से और बड़ी जीत रामनाथ कोविंद जी की होने वाली है। लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है क्योंकि एक तरफ बिहार के राज्यपाल हैं तो दूसरी तरफ बिहार की बेटी। नहीं, बिहार की बेटी हारते वक्त ही याद आई बिहार की बेटी, इसके पहले भी महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ है तो जीतते वक्त तो बिहार की बेटी याद नहीं आई और हारते वक्त बिहार की बेटी याद आती है। क्या बिहार की बेटियां केवल हारने के लिए है? ऐसा नहीं है। और रामनाथ कोविंद जी यहां के राज्यपाल रहे, लगातार उन्होंने का काम अच्छा रहा है और बिहार के बड़ी संख्या में जो विधायक है वो वोट माननीय रामनाथ कोविंद जी को देने वाले हैं।
सर, आरजेडी को डर सता रहा है कि इस मामले में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, शायद यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव जी ने कहा सबको कि अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो उसका टिकट काट दिया जाएगा। देखिए, बड़ी संख्या में राजद और कांग्रेस के लोग रामनाथ कोविंद जी का काम देखे हैं और उनके संपर्क में रहे हैं, उन्होंने जो महामहिम राज्यपाल के रूप में बिहार में भूमिका निभाई है उसको लोग देखे हैं, और वो लोग देख रहे हैं कि रामनाथ कोविंद जी जीत रहे हैं और वो लोग चाहते हैं जीते, इसलिए कोई मार्जिन बढ़ा देना, इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस क्योंकि विप जारी नहीं होता, इसलिए आपको लगता है कि अंतरात्मा की आवाज पर आरजेडी और कांग्रेस के विधायक जो है वो जरूर व्यक्तिगत बातचीत में वो बोलते हैं कि रामनाथ कोविंद जी अच्छे उम्मीदवार हैं। क्रॉस वोटिंग होगी, इसकी बात हर तरफ हो रही है। जयशंकर जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया, जो सवाल मैंने प्रदीप जी से पूछा था, क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या निकाला जाए अगर होती है तो? देखिए, क्रॉस वोटिंग का बजट किस लेवल पर होती है देखने वाली बात होगी। इसका कोई बहुत ज्यादा उस ढंग से मतलब नहीं है। देखिए, वो उसको बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ ना देखें। नहीं, बीजेपी के पक्ष में जाने की बात ही नहीं है। देखिए, अभी जो दल भी बीजेपी के साथ खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, कल वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनके साथ नहीं होंगे। जनता दल यू ने राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी के साथ दिया है, उपराष्ट्रपति में वो कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ रहेंगे या विपक्ष के कैंडिडेट के साथ रहेंगे। फिर 2019 की पेशबंदी होगी तो अलग ढंग से होगी, उसका कोई इससे मतलब नहीं है। ये अपने अपने कारण है। हाँ, ये भी कारण नहीं है कि कोई जीत रहा है इसलिए जीतने वाले कैंडिडेट को कोई वोट देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अपना अपना कमिटमेंट है, अपने दल का कमिटमेंट है, उसके आधार पे लोग वोट देंगे। अंबिकानंद जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये आत्मा और अंतरात्मा का भेद मुझे समझ में नहीं आता है। आत्मा परमात्मा तो समझ में आता है, लेकिन ये आत्मा क्या है, अदृश्य है, अंतरात्मा क्या और भी अदृश्य है। देखिए, राजनीति एक व्यवहारिक खेल है। 1969 में देखी थी, इसलिए ये राजनीति व्यवहारिक खेल है और व्यवहार में सब अपना हित साधते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो वो आज एक अकेली बिल्कुल एकजुट पार्टी नजर आती है और बिखराव विपक्ष में है, तो इसलिए वहां ये बातें हो रही है कि क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं। बिहार की एक विशेष परिस्थिति है, वहां अजीब किस्म का स्पिन पॉलिटिक्स चल रहा है, तो वो एक रोचकता बरकरार है, उस दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है नदीम जी, अभी तक जो स्थिति लग रही है बहुत साफ दिख रहा है कि जो आंकड़े हैं वो रामनाथ कोविंद के पक्ष में है, लेकिन अगर ये क्रॉस वोटिंग जिसका जिक्र मैं दूसरे पत्रकारों से भी कर रहा था, अगर होती है तो क्या ये विपक्ष की एकता में सेंध के तौर पर भी देखा जाएगा या देखा जाना चाहिए? देखिए, ये किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, ये पूरी तरह से विचार का और कार्यक्रम का विरोध है। और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो एलाइज हैं वो तमाम लोग कई बार बैठकर इस पर चर्चा कर चुके हैं। 17 राजनीतिक दलों के नेतृत्व के साथ कांग्रेस अध्यक्षा की बातचीत हो चुकी है, सबने मिलकर मीरा कुमार जी को समर्थन देने का काम किया है। और जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जो लोग सरकार चला रहे हैं, विशेष रूप से नीतीश कुमार जी, वो राष्ट्रपति को समर्थन दे रहे हैं, तो उन्होंने खुला समर्थन दिया है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि वैचारिक आधार पर जो जहां खड़ा है जिम्मेदारी के साथ खड़ा है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इसमें क्रॉस वोटिंग की बात करना इसलिए ठीक नहीं है कि जो लोग भी विरोध में हैं वो लोग ओपनली विरोध में हैं। रहा सवाल इस बात का अंतरात्मा की आवाज पर, अंतरात्मा की आवाज इसलिए कही जा रही है कि बहुत सारे लोग जो एनडीए के साथ हैं मगर अंदर से वो दक्षिणपंथी विचार के साथ नहीं है, भारत के बहुलतावाद का समर्थन करते हैं, वो तमाम लोग अगर अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे तो निश्चित रूप से वो मीरा कुमार जी को समर्थन मिलना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। ठीक है, और जो मान लीजिए कोविंद जी को वोट कर देंगे तो वो आपकी विचारधारा के साथ नहीं है, ये भी तो मानिएगा ना, आप ये मान रहे हैं, सबने खुलकर समर्थन देने का काम भी किया है। तो जो लोग कोविंद जी के लिए वोट कर देंगे वो आपकी विचारधारा के साथ नहीं है, ये भी मान लेंगे आप? मैं क्रॉस वोटिंग की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आप नीतीश कुमार जी के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आरजेडी के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर रहा हूँ, जहाँ मुलायम सिंह और उनके करीबी लोग कोविंद जी के लिए वोट करने वाले हैं। नहीं, बहुत क्लियर। देखिए, हम तो राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं, व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। आरजेडी ने और समाजवादी पार्टी ने बहुत क्लियर स्टैंड लिया है कि हम पूरी तरह से मीरा कुमार जी के साथ खड़े हुए हैं।
इंडिविजुअल लेवल पर किसी की कोई अपनी राय मुलायम सिंह इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन बड़े नेता अगर मुलायम सिंह कोविंद जी के लिए वोट करेंगे तो यानी वो कांग्रेस विचारधारा और समाजवादी आप मानेंगे, और क्योंकि आपने कहा इंडिविजुअल के लिए वोट नहीं है विचारधारा के लिए वोट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, हमने ये कहा कि हमारी जो पूरी लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की और हमारे एलाइज की, वो लड़ाई वैचारिक आधार पर है, कार्यक्रम के आधार पर है, इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर है, बहुलतावाद पर है, इंक्लूसिव ग्रोथ पर है। हम ये समझते हैं कि ये लड़ाई मूल रूप से वैचारिक लड़ाई है, और इस वैचारिक लड़ाई में जो हमारे साथ खड़े हैं निश्चित रूप से हम समझते हैं कि वो इस देश के इंक्लूसिव विचार के साथ खड़े हुए हैं। इंक्लूसिव विचार में देश में 70 साल में दूसरा दलित राष्ट्रपति होने जा रहा है, आप कह रहे हैं कि इंक्लूसिवनेस की आप बात कर रहे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।